शेखर ट्रेवल प्लस ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज अष्टमी है और अष्टमी में माँ दुर्गा के महागौरी रूप की उपासना की जाती है। हम आपको बताना चाहेंगे कि वाराणसी में महागौरी मंदिर विश्वनाथ गली लाहौरी टोला में स्थित है, जो कि काशी विश्वनाथ मंदिर के ठीक बगल में है। और जब आप विश्वनाथ गली में जाते हैं, ढूंढी राज गणेश पर पहुंचते हैं, तो ढूंढी राज गणेश के सामने से जो रास्ता जाता है वो माँ अन्नपूर्णा मंदिर जाता है। महागौरी मंदिर जिसे बोलते हैं, दाहिने हाथ पे दरवाजा है, उसके अंदर भव्य मंदिर है और बाएं तरफ जाने पर श्री काशी विश्वनाथ मंदिर पड़ता है। यहाँ पर आप माँ महागौरी के दर्शन कर रहे हैं, आपको बताना चाहेंगे कि माँ महागौरी का ये दर्शन आपको फाइल फोटोज के समझने से दिया जा रहा है, जो कि हमने विभिन्न सोर्सेस से लिए हैं, क्योंकि माँ महागौरी मंदिर में भी मोबाइल ले जाना मना है या कोई कैमरा ले जाना मना है, जैसा कि काशी विश्वनाथ मंदिर में भी ले जाना मना है। उसी प्रकार अन्नपूर्णा मंदिर या माँ महागौरी मंदिर जिसे बोलते हैं, वहाँ भी कैमरा या मोबाइल ले जाना मना है, इसलिए हमने फाइल फोटो सोर्सेज से लिए। पुराणों के अनुसार प्राचीन काशी विश्वनाथ मंदिर में स्थित माँ अन्नपूर्णा मंदिर को माँ महागौरी मंदिर के नाम से जानते हैं और ये माँ दुर्गा का 8वां रूप है। और ऐसी मान्यता है कि माँ महागौरी की पूजा करने से भक्तजन अपने पापों से मुक्ति पा सकते हैं और स्वर्गीय उपलब्धियाँ प्राप्त कर सकते हैं। माँ महागौरी की पूजा करने से भक्तजन विश्व की सभी जो देवियां हैं उनके पूजा का जो फल है वो प्राप्त करते हैं। और हर वर्ष धनतेरस से लेकर के दीपावली अमावस्या के एक दिन बाद तक, यानी कुल 4 दिन तक जो है, दक्षिण भारत के श्रद्धालु यहाँ आते हैं माँ अन्नपूर्णा का दीपावली दर्शन करने के लिए। माँ महागौरी की पूजा करने में भक्तजन कपड़े जैसे कि चुनरी या साड़ी चढ़ाते हैं, कीमती रत्न भी चढ़ाते हैं, फूल और अगरबत्ती और दिया ये चढ़ाते हैं। और उसके अलावा इनको माँ को जो है भवानी भी बोलते हैं और भक्त जो हैं इनको परिक्रमा करते हैं 108 बार चैत्र महीने में शुक्ल पक्ष की अष्टमी को। और ऐसा करके भक्तजन एक लाभ प्राप्त करते हैं जो कि बराबर होता है समस्त पहाड़ों सागर और विश्व को परिक्रमा करने के बराबर। पुराणों के हिसाब से माँ महागौरी श्वेत वर्ण की हैं और उनका श्वेत वर्ण जैसे शंख या चंद्रमा उसी की तरह सफ़ेद होता है, श्वेत वर्ण होता है। और उनके जो कपड़े हैं और गहने हैं वो भी वाइट मतलब कि सफ़ेद होते हैं। माँ की उपासना करते समय हम मंत्र का जाप करेंगे, या देवी सर्वभूतेषु माँ महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। दोस्तों, यदि ये व्लॉग आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल शेखर ट्रैवल व्लॉग्स को सब्सक्राइब जरूर करें, मेरे सभी वीडियो देखिए, अच्छे लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। हमने ये फाइल फ़ोटोज़ के आधार पर बनाया, एक बार फिर आपको बता दूँ, और उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। तो अगले ब्लॉग में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते, फिर मिलेंगे। जय हिंद।